गाइस लेट्स स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। और बॉक्स पैकिंग आपको काफी अच्छी जो है देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको सामने की तरफ एम्पाव के लोगो मिल जाता है और पीछे जो है वायर्ड यूएसबी हेडसेट जो है देखने को मिल जाता है। और हम जो है पीछे स्पेसिफिकेशन वगैरह दी हुई है, तो हम इस बॉक्स को से जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एंड सामने की तरफ हमने जो है हेडफोन्स को जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो हेडफोन्स हमारे पॉलिथीन में रैप करके आए थे, और बाकी बॉक्स में कुछ वारंटी मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है दी हुई है, जो कि आप चाहो तो पढ़ सकते हो। आपके काम वैसे इतना नहीं आएगा, बट पढ़ना है तो पढ़ लेना। अब आते हैं हमारे हेडफोन्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो इसे पॉलिथीन में पैक करके दिया है, तो हम इसे यहाँ से जो है फाड़ लेते हैं और हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो एक और पॉलिथीन आपको देखने को जो है मिल जाती है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ उसके साथ जो आई है। और इसे पता नहीं कनेक्टर वगैरह कुछ कहते हैं, इसे हम पीसी में कनेक्ट करके डायरेक्टली कुछ अपने फंक्शंस को इनहेंस कर सकते हो, जो कि आप काफ़ी मतलब काइंड ऑफ हैंडी फीचर है एम्पाव की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एम्पाव ने काफ़ी जो अच्छा काम किया है और हैंडी टूल की तरह काम आ सकता है अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हो। और गाइज हम जो है अपने जो हेडफोन्स को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फोम कोटिंग जो है देखने को मिल जाती है, और यहाँ आपको कुछ पॉलीथीन वगैरह जो है लगा के दी हुई है, और सामने की तरफ भी आपको जो है पॉलीथीन वगैरह में दी हुई है। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं इस पॉलीथीन से। तो गाइस पॉलिथीन को जैसे मैंने हटाया, देख सकते हैं कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे जो है ग्लोशी फिनिश जो है दी हुई है, और यहाँ पे बहुत ही जो है शाइनी सरफेस है यहाँ पे। और एम्पाव की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि बहुत ही मिनिमल लग रही है। एंड यहाँ पे भी कुछ ऊपर भी पॉलिथीन वगैरह दी हुई है, और नीचे आपको एक माइक देखने को जो है मिल जाता था। गाइस अब बात करते हैं इस हेडफोन्स के प्रोज एंड कॉन्स की। तो गाइस जो पहला प्रो लगा मुझे इस हेडफोन्स की, वो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है बनाई हुई है, और इस प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी जो है अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो है देखने को लग रही है। जो सेकंड मुझे इसका प्रो लगा वो था इसका बेस। तो गाइस इसका जो बेस है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका जो नॉइस कैंसिलेशन है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई लेवल का है। अगर आप इसे एक बार लगा लेते हो तो आपको बाहर की जो बिल्कुल भी नॉइज़ जो है सुनाई नहीं देगी, और जो आपका बेस है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है। और ऐसा नहीं कि बेस ज़्यादा है फिर ट्रैवल करें, बिल्कुल जो है अच्छी तरीके से जो है बैलेंस करके जो है दिया हुआ है एम्पाव ने। तो गाइस अब बात करते हैं इसके माइक्रोफोन की, जिससे आप जो है गेमिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो उसकी क्वालिटी की बात अगर मैं करता हूँ तो यार बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। जो अभी आप ऑडियो सुन रहे हो इसी वाले जो माइक है, इसी की ऑडियो जो है बेसिकली ये वीडियो इसी से मैंने जो है वॉइस ओवर करी है। तो आप अभी देख सकते हो इसकी जो ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी जो है देखने को मिल जाती है। और गाइस ये जो बेसिकली हेडफोन्स है ना, आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने ईयर्स के हिसाब से, छोटा बड़ा इन्हें कर सकते हो। यहाँ पे जो बीच बीच में आपको जो है मेटल की स्ट्रिप दी हुई है, जिससे आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और गाइस इसकी जो वायर की क्वालिटी वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है। और अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। तो गाइस साउंड क्वालिटी यार बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल की है। इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है, और जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी बहुत ही तगड़ा है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है इस प्राइस के हिसाब से। और गाइस इसके जो माइक्रोफोन है वो भी बहुत ही अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो गाइस अगर आपको ये वाले हेडफोन्स पसंद आते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप पबजी खेलते हो या फिर कोई भी ऐसा गेम खेलते हो जिसमें माइक की ज़रूरत होती है और आपको बिल्कुल नॉइस कैंसिलेशन चाहिए होता है, तो यार बहुत ही अच्छे हैं, और ये नॉर्मल एडिटिंग वगैरह में भी आपके जो है काम आ सकते हैं। तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके जो है एम्पाव को चेकआउट कर लेना। उनकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका बाइक लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार बस यार यही था आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत तो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना कुछ और अमेजिंग एंड एक्साइटिंग वीडियोज के लिए। और मैं आपसे मिलता हूं एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन पीस।